आई थिंक यू कैन सी दिस एक्टिविटी टू लिखा हुआ है जहाँ पे. वॉट डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर ओल्ड रबर स्लीपर, थ्री पेंसिल सेल्स, थ्री पेंसिल सेल्स, टू रबर स्टैंड, ओके, स्लिट पेंसिल इन हाफ, टॉर्च बल्ब एंड कॉपर स्ट्रिप्स. ये मतलब इजिली अवेलेबल मटेरियल है दैट यू कैन इजिली अरेंज एट होम. ओके, so what is the technique now? Take an old rubber clipper and cut a slit to fit three pencil cells in it as it is shown in the figure. Attach the materials according to the setup given below. कैसे सेटअप किया है? पहले थ्री सेल्स वन आफ्टर द अदर सीरीज में लगा देने हैं आपने, वो जैसे आप नॉर्मली लगाते हो, यू नो दैट. ठीक है, देन देयर इज अ कॉपर स्ट्रिप हियर इन द एंड, मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने के लिए. देन यू अटैच इट टू द टॉर्च बल्ब, राइट, एंड देन यू लीव वन एंड फ्री. ये मतलब दूसरी वायर फ्री छोड़ दी, और उधर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे भी एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी, और उसका जो दूसरा एंड है आपने पेंसिल ग्रेफाइट के साथ लगा दिया. पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है दैट इज ऑल्सो कंडक्टर. ठीक है, तो पेंसिल को दोनों साइड से आपने शार्प करके यहाँ पे, या एक ही साइड से शार्प करके ग्रेफाइट जो लेड है उसके अंदर, उसके साथ आपने अटैच कर देनी है एक वायर. सो दिस इज द सेटअप. स्लाइड द फ्री एंड ऑन द ग्रेफाइट एंड नोटिस द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब चेंज. ये जो टॉर्च बल्ब छोटा सा लगाया हुआ है ना आपने, इसकी ब्राइटनेस में क्या चेंज होगा दैट यू विल नोटिस. ओके, यू विल स्लाइड द फ्री एंड ऑन द ग्रेफाइट, मतलब पूरी पेंसिल हाफ आपने ऐसे पील कर देनी है, तो वो पूरा का पूरा उसमें जो ग्रेफाइट है वो शो हो रहा है. तो उसके ऊपर जब आप स्लाइड करोगे उसको, तो यू विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी ऑफ बल्ब लाइक दिस. ठीक है, वो जो फ्री एंड वायर का छोड़ा था वो आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रेफाइट पे टच करोगे एंड यू विल सी. डिराइव अ रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ लेंथ. तो जैसे जैसे हम लेंथ चेंज कर रहे हैं, हाउ द ग्लो ऑफ बल्ब इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से सम रेजिस्टेंस इज चेंजिंग. व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू कैन टेक इन अबव एक्टिविटी एंड सी व्हाट इज रिटन हियर. विद शॉर्ट ग्रेफाइट इन सीरीज मींस लेस रेजिस्टेंस, द बल्ब विल बी ब्राइट. With longer graphite in series, if you take a long length of pencil here, means more resistance, R is equal to rho L by A. If more length, then more resistance will be there. Bulb will be dim. So, ye observations bhi aapko pehle se de rakhi hai. Right? So, who can do this activity? Yes, students, raise hand. It's a very small activity that... So, this activity is draw magnetic field lines around the bar magnet in order to identify magnetic field strength at different points around the magnet. So what do you need? A bar magnet, a sheet of paper, iron filing. So ये आपको मैंने जो video send की थी उसमें same यही बना हुआ था, और just magnetic lines, ये तो हमने ही आपको बता ही दी है. Need not do this. ये activity तो हो गई हुई है. अब next देखो, how can you tell time with a compass? So you need only a small compass needle and a pencil. Take the equipment outdoors on a sunny day. Stand facing north. Hold the pencil in line with the compass needle but at an upward angle of 45 degree. ऐसे आपने hold कर लेनी. The bottom end of pencil should rest on the glass directly above the south on the face of the compass. ये देखो डायग्राम में ऐसे रखनी है पेंसिल 45 डिग्री के एंगल पर. The pencil casts a shadow over the compass. If you regard north on the compass as 12 o'clock and west as 9 o'clock, east as 3 o'clock and south as 6 o'clock, the shadow gives you the approximate time. So, जहाँ पे वो shadow होगी आप उसके accordingly time read कर दो. ठीक है? So, how did people tell time before the invention of clock? तो ये sun dial है एक तरह से. So how people used to find time earlier when they didn't have clock, they had compass needles, and the compass needle was used for navigation also, for telling them direction also. And also if they had compass needle, they could tell time. So jab tak clock invent nahi hui thi, is technique se time find kiya jata tha. Theek hai?
ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी। यस चाहत, हाँ जी मैंने कहा एक बार दोबारा समझा दो। हाँ, ये यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। होल प्रोसीजर इज गिवन हियर दैट यू डू इट आउटसाइड योर हाउस ऑन अ सनी डे और यू कैन गो ऑन द टेरेस ऑल्सो। ठीक है, तो स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस करके खड़े हो जाना और पेंसिल को आपने बिल्कुल कंपस नीडल के पैरेलल होल्ड कर लेना है, बट कंपस में नीडल होती है ना उसके पैरेलल बट 45 डिग्री के एंगल। ठीक है, बॉटम एंड ऑफ पेंसिल शुड रेस्ट ऑन द ग्लास, कंपस नीडल के ऊपर ग्लास लगा होता है ना, डायरेक्टली अबव द साउथ ऑन द फेस ऑफ कंपस। तो जहां उसकी टेल है ना, कंपस नीडल की जो टेल है वो साउथ इंडिकेट करती है, तो साउथ पे आपने पेंसिल का बॉटम रखना है और उसको फिर ऐसे आपने 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देना। द पेंसिल कास्ट अ शेडो ओवर द कंपस, थोड़ी इंक्लाइंड टेढ़ी उसकी शेडो आ जाएगी। इफ यू रिगार्ड नॉर्थ ऑन द कंपस एज 12 o'clock, ये देखो कैसे हम बनाते हैं, ये 3, 12, ठीक है, ये 6 है और ये 9 है। तो दे आर सेइंग कि इफ यू रिगार्ड नॉर्थ ऑन द कंपस, इसको आप नॉर्थ मान लो, ठीक है, ऑन 12 o'clock, राइट, W एज 9 o'clock, ये वेस्ट मान लो आप इसको, सी एज ईस्ट एंड साउथ एज 6 o'clock। अगर आप ये मान लो तो आप जो शेडो जहां पे भी आई, सपोज पेंसिल की शेडो यहाँ पे आई, तो अकॉर्डिंगली यू कैन रीड टाइम। ठीक है, 12 और 3 के बीच में 1 और 2 है, तो अगर 1 और 2 के बिल्कुल मतलब सेंटर में है तो आप कहोगे कि इतना टाइम हुआ है अकॉर्डिंगली। इस तरह से शेडो से आप टाइम देख सकते हैं, तो यही टाइम बताना है। ठीक है, तो ये टाइम एक क्लॉक बन जाएगी आपके पास। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपस नीडल यू कैन मेक अ क्लॉक, राइट। तो हु कैन डू दिस नाउ? अ स्टूडेंट लर्न्स दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ बार मैग्नेट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, विच डायग्राम शोज करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। कौन सा डायग्राम है बार मैग्नेट का? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस तान्या, सी ऑप्शन मैम। यस, दिस इज सी ऑप्शन, दिस इज द पैटर्न दैट वी ऑलवेज ड्रॉ, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ स्टूडेंट प्लेसेस सम आयरन फाइलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट, दे अरेंज देमसेल्व्स एज शोन इन फिगर, ऐसे अरेंज हो गई हैं। द स्टूडेंट लेबल्ड 4 डिफरेंट रीजन अराउंड द मैग्नेट, वेयर वुड द मैग्नेटिक फील्ड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, टी क्यू आर के एस, किस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड आएगा? हाँ जी बिसम ज्योत बताओ। आर, हाँ, जो नियर द एंड है, सो नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, सो लेट सी द आंसर। यस, इट्स सी ऑप्शन, दिस इज आर। A student placed a magnetic compass around a straight current carrying wire. The student noticed that when he moved the compass away from the wire, deflection in compass decreases. How would be the magnetic lines around the conductor? ये तो same ही दिखाया हुआ है। आगे question, अच्छा ये ये तो आंसर भी आपने देख लिया। दोनों में अब क्या कहा है कि कंपस नीडल अराउंड स्ट्रेट वायर रखी, ही नोटिस दैट व्हेन ही मूव कंपस अवे डिफ्लेक्शन इन द कंपस डिक्रीजेस, हाउ वुड द मैग्नेटिक लाइंस अराउंड द, हाउ विल यू शो द मैग्नेटिक लाइंस अराउंड द कंडक्टर? तो ए और बी में क्या डिफरेंस है, कैन यू मेक आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? हाँ बिसम जोर, ए इज अ सर्कल एंड बी इज ओवल। हाँ, बी में ओवल है, बट हमारी लाइंस तो सर्कुलर ही होती है। ठीक है, हमारी लाइंस वैसे सर्कुलर ही होती हैं, तो ओवल शेप नहीं होती है, बट आंसर है बी। वैसे ए और बी में कोई इतना खास डिफरेंस है नहीं है। एंड इफ द लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज दैट मींस करंट मस्ट बी फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन से कोई ज्यादा आउटपुट नहीं निकली।
but C and D are clearly not there. Image shows magnetic field around a straight current carrying conductor. देख लिया आपने? If the direction of current in the wire is changed, what will be the magnetic field? What change in magnetic field line will be observed? Options are अच्छा ये चेंज हो गया. इनमें से बताना है कौन सा है आपका, क्या चेंज आएगा. यू हैव टू टेल. पहले करंट ऊपर था, एंटी क्लॉकवाइज थी. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, इनमें से कौन सा डायग्राम आएगा. करंट इज डाउनवर्ड इन ऑल. ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर नाउ. यस प्रिंसी मैम, ई पार्ट. हाँ, इसमें क्लॉकवाइज है, पर डी में देखो वो भी क्लॉकवाइज ही है. ठीक है, बट उसमें शेप चेंज है. हाँ, उसमें शेप चेंज है, क्योंकि ये लाइंस देखो परपेंडिकुलर होनी चाहिए. डिफरेंस ये है, ओवल और सर्कुलर का नहीं है. जब उन्होंने बिल्कुल सर्कल बना दिए ना, जैसे डी में, इसका मतलब वो प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रही है. जिस डायरेक्शन में वायर है उसी डायरेक्शन में. पर जब हमने थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है ना ओवल, इसका मतलब वो लाइंस इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो वो होना चाहिए. तो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर. इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में भी था. ठीक है, विच डायग्राम शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. बताइए विच डायग्राम इज करेक्ट. लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. यस प्रिंसी बोलो. मैम बी ऑप्शन. हाँ बी ऑप्शन, यही बनाया था ना हमने. इन्होंने थोड़ी कम बनाई है, ये नीचे वाला जो सेकेंड फिगर है बी पार्ट. दिस इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच डायग्राम शोज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट सी एंड क्यू इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. तो पहले करंट की डायरेक्शन भी देख लीजिए, सेल लगा हुआ है साथ में, तो उसके अकॉर्डिंगली बताना है आप. ठीक है, सो करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो इधर नीचे आ रहा है करंट, पी पॉइंट पे करंट डाउनवर्ड आ रहा है. ठीक है, और क्यू से ऊपर अपवर्ड जा रहा है. चलिए अब बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी लाइन्स की. हाँ जी रायना बताओ. बी ऑप्शन. बी कह रहे हो, बी. देखो ए और बी थोड़ी सेम लग रही हैं आपको, क्या डिफरेंस है इन दोनों में. ए एंड बी, ए में पी पे वो जा रहा है क्लॉकवाइज. ठीक है, बी में भी जा रहा है. क्यू में, ए में भी एंटी क्लॉकवाइज है और बी में भी एंटी क्लॉकवाइज है. अब आपको ये देखना है कि दोनों में से करेक्ट है कौन सी. बी भी करेक्ट लग रही है, ए भी करेक्ट लग रही है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज कौन सा आंसर होगा आपको. इन्होंने आंसर दिया बी. ए क्यों नहीं, चलो कौन बताएगा, व्हाई नॉट ए. ए क्यों नहीं दे रहे बच्चे, बोलो व्हाई ए इज नॉट द ऑप्शन. हाँ जी बोलो मैम. शेप में फर्क आ रहा है, वो उसकी मैग्नेटिज्म है, वो भी पड़ जाएगी. तान्या शेप में लग रहा है आपको कुछ डिफरेंस. मैम जो पी पॉइंट है उसमें जो दोनों एरो हेड्स हैं वो मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं. किस में, ए में. हाँ जी, ए में पी पॉइंट के दोनों एरो जोन से हैं. नहीं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और क्यू वाले दोनों सेम में हैं. वो तो सेम में ही पर है. पर वो डाउनवर्ड होने चाहिए ना. नहीं, अगर आप पी पे देखो, पी पे क्लॉकवाइज ही आना चाहिए. इधर उन्होंने इधर बना दिया, इधर इधर बना दिया. आएगा तो ऐसे ही आएगा, बना ठीक है. इट्स ओके एंड आई डोंट थिंक सो कि देयर इज डिफरेंस इन शेप आल्सो. मुझे डिफरेंस भी कोई नजर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है यहाँ पे. चलिए आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. हाँ जी विषम ज्योत बताओ, आपको लगा कोई डिफरेंस. नो मैम, मैम ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट. Why? Because using the right hand thumb rule. वो तो बी भी यूज कर रही है. देखो उसमें भी क्लॉकवाइज है पी पे,
और क्यू पे एंटी क्लॉकवाइज है, ए में भी बी में भी, मेरे हिसाब से ए और बी दोनों ही बन रही है। बट यही है कि दे कुड हैव शोन द डिफरेंस इन शेप हियर, एक में पूरा सर्कल दिखाते ऐसे कि ये प्लेन में है, एक में परपेंडिकुलर तो टेढ़ा दिखाते, पर इन्होंने दोनों बिल्कुल सेम दिखाई है, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा, क्वेश्चन में भी हो सकता है कई बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड आर सिमिलर टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, विच इमेज करेक्टली शोज द सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट। ए बी आपने देख ली है, हैव अ लुक एट सी डी ऑल्सो। चलिए कौन बताएगा, पी और डी में से कौन सी करेक्ट है? ए बी तो हो नहीं सकती, देयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, सोलेनोइड का ऐसा फील नहीं होता, इसमें से बताइए सी करेक्ट है कि डी करेक्ट है? लुक एट द पोल्स, पोलैरिटी के बेस में आप बताओगे। यस सी ठीक है कि डी ठीक है? हु विल टेल, इज सी करेक्ट और डी करेक्ट? यस विमान, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जिधर पॉजिटिव कनेक्टेड है वो साउथ पोल होना चाहिए एंड द अदर पोल शुड बी नॉर्थ पोल, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इन्होंने सी लिखा है। एक सेकेंड, लाइंस की डायरेक्शन भी देख लो, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या है? इसमें साउथ से नॉर्थ से साउथ है, और इसमें तो गलत नहीं बनी हुई इनसाइड। हाँ जी नव्या बोलो। मैम सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। पर हम ये भी तो देखते हैं ना कि सोलेनोइड में वेयर द पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड, देयर वी हैव साउथ पोल, साउथ पोल होता है ना वहां पे, साउथ पोल, तो वो फिर नहीं है इसमें, पॉजिटिव वाली साइड पे तो नॉर्थ बनाया हुआ, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। ये नॉर्थ से साउथ वो आपकी बात ठीक है, दैट इज ओके। तो दे हैव गिवन द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइन, तो अगर हम अंदर बनाए तो साउथ टू नॉर्थ ही होती है सोलेनोइड में, बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, उसके हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है, बट उनको पोल्स जो है वो ऐसे लिखने चाहिए। वेयर शुड द मैग्नेटिक कंपास नीडल बी प्लेस्ड इन सोलेनोइड टू गेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कहाँ पे रखें कि सोलेनोइड इसमें कंपास नीडल में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए? चलो चार पोजीशंस बताई हुई हैं, कहाँ पे रखें? यस बिसम सी, व्हाई? बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम इन द सेंटर, देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम सेंटर पे होता है, देखिए आंसर। हाँ क्योंकि अगर आपको डाउट होता है ए और बी ऑप्शन में नियर द एंड्स, ठीक है, आपको पता है इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म पैरेलल एंड इक्विस्पेस मैग्नेटिक लाइंस दे एग्जिस्ट इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। अगला देखते हैं, इमेज शोज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स द रूल टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ मोटर? When current carrying conductor is moved with a force, it creates magnetic field. मतलब उसकी स्टेटमेंट पूछ रहे हैं एक तरह से, रूल तो आपको दे दिया। When conductor is moved, current is produced. When field is moved, current is produced. When current carrying conductor is placed, it experiences a force. तो कौन सा मतलब working principle है a kind of electric motor? Yes, Tanya. डी ऑप्शन, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल यही हमारा प्रिंसिपल था, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने टॉर्क की जगह फोर्स वर्ड यूज किया, ठीक है। ओके होल्ड ऑन,